दरअसल पुलिस थाना अंतर्गत एक वाहन डिटेक्शन का मामला उजागर हुआ है, जहां लिप्त आरोपी ने शराब के शौक पूरे करने के लिए वाहन चोरी को अंजाम दिया। दरअसल दिनांक 9 फरवरी को फिरियादी यादव नगर निवासी 60 वर्षीय राजेंद्र बुजाड़े की प्लेजर इतवारी सराफा बाजार से चोरी गई थी, जिसके चलते फिरियादी ने तहसील थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके संज्ञान पर तहसील पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कल शाम आरोपी 37 वर्षीय मालकी नगर निवासी चंद्र कुमार और भानु जैन को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 प्लेजर मोपेड वाहन बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि आरोपी का इससे पहले कहीं भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, किंतु खोजबीन के दौरान पता चला कि भानु शराब का शौकीन है और अपने शौक पूरे करने के लिए ही उसने इस चोरी को अंजाम दिया है। जहां रोचक बात यह है कि कुछ दिनों पहले भानु की गाड़ी भी चुराई गई थी, जिसके खोज में ही आरोपी ने दूसरों की गाड़ियां चुराई। दिनांक 10 फरवरी 2024 रोजी फिरियादी राजेंद्र नथू जी भुजाड़ी यांनी पुलिस स्टेशन तक्रार दिली की त्यांची प्लेजर गाड़ी जी आहे ती चोरीला गेलेली आहे। दिनांक 9 रोजी ती गाडी त्यांची चोरीला गेली होती। सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, तो CR नंबर आहे 85/24। सदरचा गुन्हा उघडकीस आणण्याबाबत तपास पथकाचे अधिकारी व अंमलदारांना सूचना देण्यात आलेल्या होत्या। तपास पथकाचे अधिकारी व अंमलदार यांनी घटनास्थळाच्या आजूबाजूच्या परिसरातील CCTV फुटेजची पाहणी केली असता त्यामधून सदर आरोपी हा गाडी चोरून घेऊन जात असताना दिसून आला। त्यावरून आरोपीची ओळख पटवून आमच्या तपास पथकाने आरोपी चंद्रकुमार उर्फ भानू रमणीक कुमार जैन वय 37 वर्ष राहणार माळगी नगर उडकेश्वर पोलीस स्टेशनची हद्द नागपूर याला ताब्यात घेतला असता त्याच्याकडून 3 चोरीच्या प्लेजर गाड्या जप्त करण्यात आलेल्या आहेत। सदर प्रकरणी अन्य 2 गुन्हे दाखल आहेत। एक जो दुसरा गुन्हा आहे तो तहसील पोलीस स्टेशनचा CR नंबर 86/24 व एक कोतवाली पोलीस स्टेशनचा CR नंबर 72/24। यातील आरोपी जो आहे याचा प्रिव्हियस रेकॉर्ड नाही आहे, परंतु तो दारू पिण्याच्या सवीचा आहे व दारू पिण्यासाठी तो या गाड्या चोरी करत होता। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट। दोस्त के प्रेम प्रसंग को सुलझाने गए युवक की धारदार हथियार से हत्या करने की घटना 13 तारीख को पाशपाली थाना क्षेत्र में हुई थी। घटना में घायल अभिषेक का अस्पताल में इलाज चल रहा था, हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी रोहित नाहरकर की सालिका आशीष बड़ेल से काफी दिनों से अफेयर चल रहा था। हालांकि आशीष बड़ेल एक लड़की से शादी करने के लिए अनिच्छुक थे। अभिषेक को मामले की जानकारी थी, इसलिए वह दोनों के बीच विवाद सुलझाने के इरादे से रात में तय जगह पर उनसे मिलने गया। हालांकि अभिषेक की आरोपी रोहित नाहरकर शाम को सिरे राजकुमार लाचरवास से बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने अभिषेक की गर्दन पर ईंटों और तलवार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से भाग गए। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और अभिषेक को घायल अवस्था में तुरंत मेयो अस्पताल में भर्ती कराया। आखिरकार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उक्त आरोपी एक कुख्यात अपराधी है। पुलिस ने जानकारी दी है कि लोगों के मन से डर को दूर करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या के अपराध सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 12/2/2024 को मैं रात को नाइट ऑफिसर करके ड्यूटी पर था, तब एक वारदात मिल गई कि पंचकुआ एरिया जो है हमारा पुलिस थाना पाशपावली के अंडर में आता है, वहाँ पर कुछ लड़कों ने एक दूसरे लड़के को बहुत ही गंभीर रूप से तलवार वीट पत्थर से मार के बुरी हालत में गंभीर स्वरूप से उसको जख्मी किया है। वारदात मिलते हम तुरंत ही वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर हमें एक बहुत ही गंभीर हालत में एक जो जख्मी था वो मिल गया, उसको तुरंत हमने अस्पताल पहुँचा दिया। उसका नाम अभिषेक गुलाबे बोल के था जिसने जो गंभीर हुआ था, और उसको मारने वाले जो 3 आरोपी थे उनके नाम है रोहित सुनील नाहरकर, श्याम बाबू कुसेरे आणि राजकुमार लाचलवार। इन तीनों ने एक लड़की का आपस में उनका एक मैटर हुआ था, उसके बारे में उसको बहुत ही बेरहमी से मारा था तलवार वीट पत्थर से। आज वो उपचार के दरमियान अस्पताल में उसकी डेथ हो गई है, तो डेथ होने के बाद उसमें कलम IPC का 302 बढ़ गया है। तो उसमें आज माननीय DCP सर झोंथरी श्री भामरे साहब, उसके बाद में हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री वैभव जाधव साहब और हम और आरोपियों को लेके हम फिर से एक बार घटनास्थल का पूरा तरह से मुआवजा किया है, और आरोपियों की घर झड़की के लिए हम वहाँ पर आज गए थे। तो इस बारे में अभी आगे की तहकीकात चालू है। ये जो आरोपी है वो रिकॉर्डेड आरोपी है, बहुत ही हार्ड कोर क्रिमिनल है। इन पर दरोड़े की तैयारी करना, तलवार लेके बस्ती में घूमना, दहशत फैलाना,
लोगों को मारपीट करना, लोगों को जबरन उनसे पैसे लेना, रॉबरी, डकैती, ऐसे भी इन पर गंभीर स्वरूप के इन पर गुने हैं। दो आरोपियों पर तो 13-13 गुने दाखिल है इस प्रकार के। ये पिछली बार तड़ी पार भी रहे वाले हैं। 302 के भी इन पर पहले 2016 में उनके गुने इस प्रकार के हैं, और एक आरोपी उस पर भी 3 गुने हैं। तो इनके नाम तो आपको बताया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।